हाय, ये छोटा सा वीडियो क्योंकि मध्य प्रदेश का राउंड 3 आ गया, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ NRI सीट्स अवेलेबल होंगी। और जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि राउंड 3 में NRI सीट नहीं भरती तो अपने आप का वो जनरल सीट्स बन जाएगी, तो हर कॉलेज चाहता है कि मेरी NRI सीटें भर जाए। पर स्पेशली मध्य प्रदेश के लिए, आप सबकी जानकारी के लिए, बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाइएगा। 10 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, और अगर कॉलेज अलोकेट हो गया तो फिर वो पैसे वापसी नहीं आएंगे, या वो डूबेंगे या आप उस कॉलेज को ज्वाइन करोगे। अगेन मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मेरे पास एक कॉल आई है एक भुक्तभोगी महाराष्ट्र वाले की, जिसको कुछ और प्रॉमिस किया गया था, अलॉटमेंट राउंड 2 में किसी और कॉलेज की दिलवा दी गई, जो कि नीचे वाले कॉलेज हैं जहाँ अक्सर हम जाना पसंद नहीं करेंगे जब तक बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। और अब उस बंदे के 10 लाख रुपये डूब रहे, क्योंकि जब कॉलेज देखने गया अलॉटमेंट के बाद तो मैंने यही कहा, सर आपने पहले देखा नहीं था? कहते एजेंट ने यही कहा, जी ये 3-4 तो अच्छे, वो अच्छे हैं, उनके नीचे एक डाल देते हैं। तो मैंने कहा वो जो एक था क्या उसने ये नहीं बताया था कि 10 लाख रुपये डूब जाएंगे? कहते नहीं, उसने कहा कि अगर हम सीट ज्वाइन नहीं करते तो 10 लाख रुपये वापस मिल जाते हैं। तो फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या मतलब हो गया? तो ये भी समझिए इसी बहाने से कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब ही तो ये है ना, सरकार तभी तो ले रही है कि हम लोग खेलना खेलें। मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट लाए से ले गया था ना, कि वरना एक एक बच्चा 10-10 फॉर्म भर देता, 10-10 सीटें पकड़ के बैठ जाता और 6 महीने तक काउंसलिंग चलती रहती। तो ये 10 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का डर तभी तो बिठाया गया कि आप सोच समझ के फॉर्म भरें, सोच समझ के सीटें लें। तो मध्य प्रदेश इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव 10 लाख। सिमिलरली जो कर्नाटका का आपने राउंड 3 का नोटिफिकेशन देखा है, जिसमें पूरे फर्स्ट ईयर की फीस मांग रहे हैं एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो किसी ने फॉर्म उसका भरा और सीट मिल गई और आपने ज्वाइन नहीं करा तो पूरे 20-25 लाख रुपए गए जो जमा कराने वाले हैं। तो आई थिंक, या लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, मध्य प्रदेश नहीं, कर्नाटका प्रैक्टिकली स्पीकिंग हाईएस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग रहा है, चू कोटा की सीट का 25 लाख रुपए, राइट? तो सर सोच समझ के 25 लाख जमा कराइएगा, तभी जमा कराइएगा। या ठीक है, देखिए अगर आप सिर्फ 5 ही कॉलेज भरते हैं जो आपको चाहिए और वो नहीं मिलेगा तो 25 लाख पक्का वापस आएंगे, लेकिन वो मत भर दीजिए ना जो चाहिए ही नहीं। तो अब जब राउंड 2 से सिक्योरिटी डिपॉजिट डूबने लग गए हैं, तो अगेन अ कॉमन एडवाइस, चॉइस फिल्म में खाली वही कॉलेज भरिए जो आप ज्वाइन करने को तैयार हैं, वरना टाइम पास के लिए क्यों भर रहे हैं? और ठीक है, लाख रुपए वाले डिपॉजिट्स में हरियाणा में, हिमाचल में, उत्तराखंड में टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन भाई 25 लाख कर्नाटका, 10 लाख मध्य प्रदेश, 5 लाख राजस्थान, बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग करिएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है ना? और कई कई जगह पर बहुत सस्ता भी फॉर्म है, और वो भी याद रखिएगा कि सस्ते के चक्कर में ज़बरदस्ती सीट अलोकेट मत करा लीजिएगा। अगर ज्वाइन नहीं करना फिर आप स्ट्रे में नहीं जा पाएंगे, राइट? जो मैंने एक वीडियो बना के आपको समझाया है, तो उस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जैसे दूसरों की भी मदद हो जाए। एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। अभी भी हमारी पेड मदद चाहिए, यू नो अवर नंबर 9643362320। तो रिपीट मैं कर रहा हूँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत भयंकर है, सोच समझ के चॉइस फिलिंग कीजिएगा, चाहे MP हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे राजस्थान हो। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।